नीतीश जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप अपना काम करिए, अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए और जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको निभाइए। हम ही किए हैं, हम ही करेंगे। और आज ये जो कैबिनेट के द्वारा पास किया गया है राज्यकर्मी का दर्जा, वो निश्चित रूप से एक युगांतकारी कदम है माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया। नीतीश कुमार जी हमेशा से संवेदनशील शिक्षा के प्रति रहे हैं। हाँ, थोड़ी लड़ाई लंबी हुई थी, संघर्ष को आपने भी बहुत अच्छे से कवरेज किया था। और ये पिछले 20 साल का ये तपस्या का परिफल है और नए साल में हम लोग के लिए ये बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी ये कदम है सरकार की, इसलिए बहुत बहुत बधाई सरकार को। बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है, नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, विशिष्ट शिक्षक बनाए गए हैं, जिसके बाद हम जिला स्कूल में मौजूद हैं और शिक्षकों से बातचीत करेंगे। कितनी खुशी है नियोजित शिक्षक बनने के बाद, बातचीत करेंगे। कितनी खुशी है सर, नियोजित शिक्षक बन गए हैं? ये तो बहुत ही खुशी की बात है, हम लोग बहुत दिन से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और ये होना ही था। नीतीश जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप अपना काम करिए, अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए और जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको निभाइए। हम ही किए हैं, हम ही करेंगे और उसका आज प्रतिफल है कि आज हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला है। ये बहुत ही खुशी की बात है, काफ़ी खुश है, बहुत खुश हैं सभी लोग, काफ़ी खुश हैं, बहुत चलेगा, एकदम मिठाई धुरझार चलेगा। हाँ, और दोहरी खुशी है कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं सब बीपीएससी में भी क्वालिफाई कर गए। बीपीएससी में भी आप लोग क्वालिफाई, बीपीएससी में भी क्वालिफाई कर दिए हैं कि ये दिखाने के लिए कि हम नियोजित शिक्षक किसी से कम नहीं है। लेकिन क्वालिफाई करने के बाद भी हम लोग कहीं जा नहीं रहे, अब तो राज्यकर्मी रहेंगे और राज्यकर्मी रहेंगे, जिसकी मांग हमारी थी और वो पूरी हो गई। तो हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार को और पाठक जी को और नीतीश कुमार जी को। काफी खुश है, क्या सर, क्या कहें, कितनी खुशी हो रही है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोग का बात हमेशा से उठाते रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। और आज ये जो कैबिनेट के द्वारा पास किया गया है राज्यकर्मी का दर्जा, वो निश्चित रूप से एक युगांतकारी कदम है माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया। नीतीश कुमार जी हमेशा से संवेदनशील शिक्षा के प्रति रहे हैं। हाँ, थोड़ी लड़ाई लंबी हुई थी, संघर्ष को आपने भी बहुत अच्छे से कवरेज किया था और आपको भी पता है कि हम लोगों ने पूर्ण रूप से डिवोटेडली काम किया है और सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों के कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कदम उठाई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अच्छी बात यह भी है कि हमारे यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं सब लोगों ने बीपीएससी क्वालिफाई नहीं किया बल्कि कटऑफ भी पार किया है, कटऑफ भी पार जी, और यह हम लोगों के लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। कितने सारे झंझावतों को झेलने के बाद भी एक बार फिर से हम लोग पूर्ण रूप से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया? जी, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा हो गया, आज हम लोग राज्यकर्मी कहला रहे हैं और ये पिछले 20 साल का ये तपस्या का परिफल है और नए साल में हम लोग के लिए ये बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी ये कदम है सरकार की, इसलिए बहुत बहुत बधाई सरकार को। काफ़ी खुशी हो रही है और भी जो मैडम है उनसे बातचीत करेंगे, नियोजित शिक्षक है, काफ़ी खुश है, काफ़ी खुश नज़र आ रही है, चेहरे पर हंसी देखने को मिल रही है। खड़ा हो जाएगा मैम, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उसको बयां करने में शब्द मेरे लिए नहीं नहीं है मेरे पास। आज मैं बहुत, अब कोई सवाल नहीं उठाएगा? नहीं, अब कोई सवाल नहीं उठाएगा। पहले भी आप लोगों ने बीपीएससी निकाला? हाँ, नियोजित का जो दंश झेल रहे थे अब उससे मुक्ति मिल गई हम लोग, तो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे आप लोग। हाँ, सहायक शिक्षक। काफी खुशी हो रही है? हाँ जी। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है जी। आज तो आज हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है कि सरकार ने हम लोगों की लंबी लड़ाई का फल आज दे दिया है। काफी खुश है? काफी खुश है, सहायक शिक्षक का दर्जा मिल गया। कितने बहुत खुशी है सर, बिहार के लाखों लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि नियोजित का जो मार था वो ख़त्म हो गया, नियोजित के दंश से जो लोग परेशान थे अब सब सहायक शिक्षक कहलाएंगे, सभी एक प्लेटफॉर्म पर, और बहुत विकास दिखेगा स्कूल में भी, सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। तो आपने सुना ही क्या कुछ कहा है, काफ़ी खुश है जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, वो अब राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें मिल गया है, कैबिनेट से आज पास हुआ है, अब उन्हें परीक्षाएँ देनी होंगी जिसके बाद वो नियोजित राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें मिल जाएगा।